क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो रहेगा सेट डी बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सेट सी, ए और बी पहले बता दिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट अलग ही बना दी आपकी, देख लेना। निम्न में से इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ठीक है, यहाँ पर अंटार्कटिका ये आपकी लघु प्लेट नहीं है। नच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? ज्वालामुखीयता। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती है? भारत की जो सीमाएं हैं वो आपकी चीन से स्पर्श करती है। चलिए, निम्न में से निम्नलिखित ग्यो या म्योग्योत्तर में से कौन सा भारत का यम्योत्तर है? कि 18 82 डिग्री 30 आ जाएगा इसका। देश में कुल जीव मंडल निश्चय है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो भैया चलिए अगला है, पोलर फ्लिंग बल से संबंधित है तो आर्थिक भूगोल से, यहां पर आ जाएगा आर्थिक चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को स्थलीकृत कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन, इसका देख लीजिए कास्ट आ जाएगा, है ना। और पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ, कब हुआ था? 1972 में। भारत के साथ बांग्लादेश देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ये आ जाएगा बांग्ला। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है आपको, है ना। ये देख लीजिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो है आपको व्यापार एवं परिवहन, व्यापार एवं परिवहन का जाएगा आर्थिक भूगोल। ड्रमलिन, ठीक है, यहां से दूसरा जाएगा हिमनद की निक्षेपण आकृति, गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, रेड लिस्ट। रेड लिस्ट जाएगा विश्व की संकटापन्न प्रजातियों की सूची, और सीही जाएगा सौराष्ट्र। अबे एक वाक्य में उत्तर, महाद्वीपी पहले भर लेते हैं इनको अच्छे से। चलिए यहां से देखिए एक वाक्य में उत्तर है ये, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए आप इनको, ठीक है, भर दिए हैं पूरे। और पहला सत्य सत्य की बात करें तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहने वाला है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य रहेगा और छठा भी आपका सत्य रहेगा। अब अगला देखते हैं, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम आपको बताने हैं, मानव भूगोल की मान्य परिभाषा लिखनी है, ओजोन मंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखिए, प्रजातीय विविधता से क्या तात्पर्य है, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम आपको बताने हैं, भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है, बांगर और खादर में क्या अंतर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 11 और ठीक है 12 13 देखिए 14 अटलांटिक सागर की धाराओं का वर्णन करना है आपको, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, है ना। ये प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ये 17 18 19 20, तो यहाँ से देखिए पूरा सॉल्यूशन 2022 और 2023 में 24 में भी आने के चांस रहे, बने रहेंगे। इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आपको मानव भूगोल की परिभाषा देनी है।
ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वायुमंडल में ओजोन ओजोन गैस का महत्व देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप, सौर्य ताप क्या है, इसकी भिन्नता के दो कारक लिखिए। यहाँ पर इसका थोड़ा वाला है ये, मानव जीवन के प्रारंभ होने से पृथ्वी पर जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ा। जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों है, यहां से देख सकते हैं, ये हो गया है। इसके बाद में भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है, कोई दो लिखिएगा, हो गया इतना। बांगर और खादर में अंतर बताना है, ये हो गया इतना। इसके बाद में नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर है, क्वेश्चन नंबर 10 में कथवा है ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है उसको थोड़ा सा देखते हैं, प्रायद्वीपी पठार का विस्तार करिए, हो गया इतना। इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। वर्तमान में देख लो, आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देख सकते हैं आप, ये यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, हो गया इतना, ये देखो हो गया इतना भैया, ये ले ले स्क्रीनशॉट ले ले भैया। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो यार, थोड़ा शांति से काम करो, शांति से ना, देखो धैर्य बनाना पड़ेगा। ये हो गया इतना, थोड़ा क्लियर आ जाए जब स्क्रीनशॉट लो, ताकि आपको भी नजर आए, पता चलेगी मोबाइल में जाके देखो तो अरे यार ये तो हो ही नहीं यार, थोड़ा शांति से काम करो, है ना। हम मेरा भी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। अब तो पढ़ो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अब बिना मेहनत करेंगे ऐसे तो होगा नहीं यार, देखिए कोई भी खाना बना के दे देगा, अब आपको हाथ से उठा के तो खाना पड़ेगा। अब ये खाना बना ही दे रहा हूँ मैं आपको पूरी चीज़ें, है ना, ढूंढने के पछने की जरूरत नहीं, कौन से आएंगे, ये आएंगे बिल्कुल बिल्कुल, आप तो घबराओ मत, है ना। इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी परसेंटेज बनी इतनी, ठीक है, आपकी भी बनेगी, है ना, ये ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं, ठीक है। ये यहाँ से हो गया, थोड़ा छोटा कर दो, ये कौन सा प्रश्न है अपना, ये इतना पहले तो यहाँ तक हो गया, इसके महत्व हो गया इतना, लेते जाना स्क्रीनशॉट, है ना भैया। फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया, ये अगला क्वेश्चन नंबर 15 का था, ये क्वेश्चन नंबर 16 का, भारत में बाढ़ के क्या कारण है, कोई दो लिखो। देखो ये 3 तक तो यहाँ तक हो गए ना, 3 हो गए, 3 इसके बाद में ये चौथा और पांचवा ये यहाँ पर है, ओ कर दिया नहीं साहब तरीके, ये हो गया इतना। आप तो बढ़िया से करो, मेरे बाबू ने खाना है खाया नहीं खाया है ये बताना आप, है ना, कमेंट में बता देना, खाना खाया मेरे बाबू ने, नहीं खाया तो कोई बात नहीं, खा लेना बेटा ना, आराम से खाओ आप तो, बिल्कुल काय का टेंशन, इतना टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ, चिंता मत करो, है ना, हर घड़ी हर पल आपका सपोर्ट में हूँ, इतना लोड मत लो। पास होना है ना तो केवल ए और बी सेट कर लो, अच्छी परसेंटेज बनानी है तो सी और डी कर लो, पास हो रहे फेल कोई माई का लाल नहीं कर सकता आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है, कोई माई का लाल फेल करने वाला नहीं है ना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 वाला है, ये यहाँ से फिर है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा वाला, इतना हिस्सा हो गया, ये ले लिया स्क्रीनशॉट, और इसी का छूटा हुआ हिस्सा, देखिए ये पूरा नहीं है ना, ये इतना चीज़ लिखी है, 3 वर्गों में बांटा गया है, और 3 वर्ग ये यहाँ पर है, ये एक तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, हो गया इतना। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये यहाँ से आपको देखना है, ये ले लो स्क्रीनशॉट लो आप तो, और ये यहाँ से, है ना, बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, समस्या आ रही तो, है ना।
चलिए, तो ये मैंने आपको ना पूरा पेपर बता दिया है, ये अंतिम वीडियो था, ये अंतिम, क्योंकि इसके अलावा